कानपुर से देवरिया न्यायालय में पेशी पर लाया जा रहा एक अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिस पर गोरखपुर रेलवे पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया और इसकी जानकारी देवरिया पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही फरार अभियुक्त को जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवरिया से नागेंद्र कुशवाहा ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, ये बताएं कि फरार आरोपी कौन था और कैसे इसे देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया? जी, ये बताने चले कि ये कानपुर के जो है आरोपी थे और कानपुर की पुलिस जो है ये कोर्ट में पेशी करते थे, ये फरार हो चुके थे जी और ये आके देवरिया के अपने रिलेटिव में रह रहे थे, लेकिन जो है देवरिया पुलिस को संविधान से पता चला कि ये देवरिया के अपने क्षेत्र में जो है ये किसी रिलेटिव में रह रहा है। देवरिया पुलिस जो है देवरिया एसपी के निर्देश पे जो है छापामारी की और यहाँ से जो है धपका के जो है फिर गिरफ्तार करके जो है कानपुर कोर्ट के लेने ले जाया गया। नागेंद्र, क्या फरार आरोपी के पास से पुलिस को कुछ बरामद भी हुआ? फिलहाल अभी किसी तरह का कोई चीज बरामद नहीं हुआ, उनके पास मोबाइल जो है जो बरामद हुई उसी से पता चला था कि आरोपी इस समय कहाँ रह रहा है। नागेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस नेताओं ने जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर रोष जताते हुए कहा कि सरकार उनकी है तब भी अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। यहां मरीजों को ना डॉक्टर मिलते हैं ना ही दवाइयां, ज्यादातर डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में ही व्यस्त रहते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश बिसरिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, स्वास्थ्य मंत्री से बोले कांग्रेसी हमारी सरकार है फिर भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? एक्चुअल में क्या है कि कल स्वास्थ्य मंत्री ग्वालियर में आए थे जी, स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली जी, जिस बैठक में उन लोगों ने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे इमरती देवी थी और आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे जी, उन लोगों ने अधिकारियों बैठक ली। बैठक में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो मिलावट हो रही है अपने जी, जो आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है जिससे कैंसर होता है शरीर में और 15 साल से जो भाजपा सरकार के राज्य में जी ये सब मिलावट चल रही थी वो अब होने नहीं है जी। मंत्री जी ने प्रेस वार्ता में भी ये बात पत्रकारों से करी कि हम 70 जो स्वास्थ्य अपने वो है अस्पताल उसमें अस्पतालों की कम से 70% डॉक्टर नहीं है जी। उनकी हम जल्दी से जल्दी उनकी पूर्ति करेंगे कि डॉक्टर आए और स्वास्थ्य सेवाएं तो लोगों को अच्छी मिले जी। ये पूरी उनने जानकारी हमको देते हुए बताया और उन्होंने ये कहा कि अब नेता लोग हमारी डॉक्टर सुनते नहीं है हड़ताल कर देते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे बता रहे। योगेश, इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा कांग्रेसी नेताओं को? कांग्रेसी नेताओं का आधार उन्होंने कि ये एक दूसरे पर टालते हम लोगों की सुनते नहीं है जी। और हम लोगों ने पहले यही कहा है कि भाई आपस में पहले समीक्षा करेंगे और एक दूसरे को सुनेंगे और जिससे कांग्रेस सरकार आगे बढ़ेगी, कमलनाथ सरकार आगे बढ़ेगी और कमलनाथ सरकार का ये उद्देश्य है कि किसी प्रकार की कोई जनता को कोई असावधानी का सामना नहीं करना पड़े। शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज क्षेत्र के भनवापुर ब्लॉक में सप्लाई इंस्पेक्टर इंद्रजीत यादव को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया और उनके एक सहयोगी कोटेदार को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर कोटेदारों से पैसा वसूल कर इंस्पेक्टर को देने का आरोप है। दोनों पर केस दर्ज कर टीम गोरखपुर के कोर्ट में पेश करने के लिए अपने साथ ले गई। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए रियाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। रियाज, बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन टीम ने की है, क्या कहेंगे आप? सर, इनको एंटी करप्शन टीम ने गोरखपुर टीम ने इनको पकड़ कर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको गोरखपुर भेज दिया गया है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है जी। रियाज, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कैसे ये कर्मचारी काम करते थे और किस तरह से पैसों की मांग करते थे। सर, ये कोटेदारों से सर यूनिट के नाम पर पैसा लेते थे और गल्ला उठान के समय भारी रकम की मांग करते थे, जिसे तंग आकर कोटेदार ने गोरखपुर शिकायत करके इनके विरुद्ध टीम को बुलाया और कल इनको पकड़वा दिया। सर जी, शुक्रिया रियाज आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। मुरादाबाद में एक महिला को 20 सड़क पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है, वहीं विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए नूर हसन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। नूर, एक बार फिर सड़क पर 3 तलाक, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मुसरत जी, इसको 3 तलाक कर को लेकर के काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था ये,
काफी टाइम से विवाद चल रहा था तीन तलाक के मुद्दे को लेकर के। हम महिलाएं काफी लंबा थोड़ा मोर्चा निकाल करके रोड पर निकल आई हैं तीन तलाक के मुद्दे को लेकर और काफी इसमें खुश नजर आ रही हैं तीन तलाक के मुद्दे को लेकर के। जी, इस पर क्या कहेंगे जो तीन तलाक दी गई है कल इस महिला को और जिस महिला के साथ मारपीट भी की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? तीन तलाक को लेकर के जब की गई है, इनमें आपसी विवाद चल रहा था काफी टाइम से और इसमें पुलिस प्रशासन भी थोड़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर चूक हुई है जो ये किसी तरह से तीन तलाक का मुद्दा उठाया गया है। जी जी नूर, अगर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई तो वहाँ अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस मामले पर? देखिए सर, मुद्दा अधिकारी क्या है, मुरादाबाद का जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी लोग अधिकारी हैं, उनका ये कहना है इसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर जो भी होगा संज्ञान में मामला अधिकारियों के है, इस पर तुरंत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया नूर आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।